अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली वीडियो जी, चाइनीज़ हो या फिर कोरियन, हर कोई चाहता है कि हमारी स्किन वैसी हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ये वायरल वीडियोस है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि ये मैंने खुद यूज़ की हुई है। तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बताई थी तो उसके भी जो रिज़ल्ट थे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, स्किन वाइटनिंग के बारे में या हो स्किन मॉइस्चराइजर करने के बारे में। तो इससे आपकी स्किन पे जितनी भी ड्राइनेस होती है इंशाल्लाह ताला वो भी दूर होती है। और स्किन वाइटनिंग के लिए तो मैं कह रही हूँ ये 100% जो है ना इसके रिज़ल्ट हैं। तो जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अंडे की जर्दी लेनी है और एक तरफ जो है मैंने वाइटनिंग जो है वो निकाल दी है, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करनी। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो क्या करेंगे, इसे अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसमें थोड़ा सा लेमन डालना है और उसे आपने फेस पे लगा लेना है, ठीक है। इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। एक अंडे की जर्दी आपने ले लेनी है, अब आपने इसे थोड़ा सा फेंटना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि दही में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यानी कि आपने ऐसे करना है कि एक कपड़ा ले लेना है, उसमें इसे डाल के इसका पानी जितना भी होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा और खाली दही बच जाएगी, ठीक है जी, वही आपने ऐड करनी है। इसके बाद हमने इसमें लेमन ऐड करना है। लेमन तकरीबन आपने चंद ड्रॉप्स ले लें, 4 से 5 ड्रॉप्स ले लें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ले लेने हैं। अगर आपकी स्किन यानी कि नॉर्मल है तो आपने 1/2 टीस्पून ले लेना है, ठीक है जी। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह तो बहुत ज़्यादा जो है वो मास्क है चाइनीज़, तो मैंने कहा जो मैं खुद यूज़ करती हूँ तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। जैसे ही मैं चाइनीज़ यानी कि जितने भी मास्क हैं यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह ताला उन सब के रिव्यू आपको दूँगी और उसके रिज़ल्ट भी आप तक लेके आऊँगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, इसे आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है, अपने फेस पे, नेक पे अप्लाई कर लें। इसके बाद जैसे कि अक्सर आप चाइनीज़ वीडियोस में देखते हो कि उन्होंने ऊपर से शीट लगाई होती है, ठीक है जी, आप इसके ऊपर शीट भी लगा सकते हो। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इसे रिमूव कर लेना है। अच्छा, रिमूव आपने करना है ठंडे पानी के साथ, आपने वॉश कर लेना है और अमेजिंग अमेजिंग रिज़ल्ट आप खुद चेक करें, यकीन करें। हैंड की स्किन और जो फेस की स्किन होती है उसमें ज़रा डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप फेस पे लगाओगे इससे डबल आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। वीक में आपने इसका यूज़ जो है वो 2 से 3 बार कर सकते हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है और आपकी स्किन टाइट भी होगी इंशाल्लाह ताला, ग्लो भी आएगा, वाइटनिंग भी होगी। तो मुझे तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे लगे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेमेडी भी शेयर की जाए इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं विंटर के हवाले से होंगी और वो सब जो है ना वो चाइनीज़ ही होंगी, जिसके बेनिफिट इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी कि इसके कैसे रिज़ल्ट हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, आपकी बहन की सपोर्ट हो जाएगी। अब अपनी बहन को इजाज़त दें, दुआओं में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।